आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। चुनाव के दौरान गड़बड़ी फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गाजीपुर के जमालिया उप जिलाधिकारी भारत भार्गव, सीओ हितेंद्र कृष्ण, कोतवाली प्रभारी संपूर्णानंद राय के साथ पैरामिलिट्री फोर्स के साथ नगर और क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। बता दें, विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर सभी आरक्षियों को निर्देशित किया गया कि किसी भी हाल में व्यवधान उत्पन्न नहीं होने देना, इसलिए चुनावी कार्यों को निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने में तेजी से कार्य करें। क्षेत्राधिकारी ने कहा, बीट के सभी आरक्षी अपने अपने बीट के गांव में जाकर मतदान केंद्रों की स्थिति देखें तथा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए अब तक 116 हिस्ट्री शीटर अपराधी प्रवृत्ति के 1531 के लोगों को पाबंद किया। कोतवाली में लाइसेंसी बंदूकधारियों से जमा कराई गई। उन्होंने बताया, विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने, अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रभारियों को निर्देशित किया गया। चुनाव में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही बिहार बॉर्डर एरिया में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त निगरानी की जाए। कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को कदापि नहीं बख्शा जाएगा। अपराधियों के विरुद्ध सख्त और कड़ी कार्रवाई होना। बता दें, विधानसभा जमालिया 379 7 मार्च होने वाले चुनाव को देखते हुए चुनाव को भयमुक्त होकर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर एसपी गाजीपुर के दिशा निर्देश का पालन करते हुए एसडीएम भारत भार्गव के कुशल निर्देशन में करमरही, घायघाट, धुसका, कर्मनाशा नदी के बिहार बॉर्डर से सटे गांवों का समय समय पर निरीक्षण कर बॉर्डर पर सतर्कता के लिए पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर तैनात होकर निगरानी कर रहे हैं। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी भारत भार्गव, सीओ हितेंद्र कृष्ण, संपूर्णानंद राय के साथ महेश पाल सिंह, केपी सिंह, अनिल कुमार सिंह, नंद लाल कुशवाहजी, क्रांति, बालेंद्र आदि पुलिसकर्मी रहे। सलीम मंसूरी, ब्यूरो चीफ, गाजीपुर की रिपोर्ट।